हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो कल हमने क्या किया था कल मैंने फिफ्टीन क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसका किया था और आज मैं जो कराने वाली हूँ वो आपका पार्ट टू होगा तो आज हम फिफ्टीन सिक्सटीन से लेके और थर्टी तक के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे उनको करेंगे अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि हम लोग सी के लिए जो हमारे सी की वेबसाइट से जो आपके पेपर्स पड़े हुए हैं उनसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते हैं हमारी आज की क्लास को फुल एनर्जी से और आप लोग ट्राई कीजिएगा यहाँ पर कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के और मुझसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए यानी कि विद्यालय में पाई जाने वाली व्ययतिक भिन्नताएं व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट प्रत्येक इंसान दुनिया में एक दूसरे से अलग होता है उनकी अपनी फिजिकल डिफरेंस होती उनमें सांस्कृतिक डिफरेंस होते हैं उनके कल्चरल डिफरेंस होते हैं तो इस तरीके से आप कभी भी किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते सबका अपना एक अलग अलग मेथड होता है सीखने का तो हमें क्या करना है इसको बच्चों पे यूज करना है तो हम देखेंगे इसके ऑप्शंस को सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान भाई जब सब अलग अलग हैं तो आप एक समान कैसे यूज कर सकते हो किसी चीज़ को ये देखो इन बर्ड्स को पकड़ना सीखो ये बर्ड्स क्या होते हैं ये निगेटिव बर्ड्स होते हैं कभी भी आपको एक समान तरीके से हर किसी को नहीं पढ़ाना होता है आपको सबके लिए डिफरेंस मेथड को यूज़ करना होता है सेकेंड है आपका विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत आपको कभी नहीं करना होता है ये निगेटिव वर्ड्स हैं इनको पकड़ के जैसे ही ये मिले इनको आपको काटना होता है थर्ड है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिक भिन्नताओं को पोषित करना यानी कि लचीले यानी कि आप फ्लेक्सिबल होते हुए बच्चों की जो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं उनको क्या करोगे आप पोषित करोगे यानी कि उनको बढ़ावा दोगे जिस तरीके के जो सीखना चाहता उसे उस तरीके से सिखाओगे उनके व्यक्तिक भिन्नताएँ हैं तो आप उनका सम्मान करोगे ओके okay? तो ये ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा फोर्थ को भी हम पढ़ते हैं यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे व्यक्तिक भिन्नताओं को दूर किया जाए भाई व्यक्तिक आप कभी दूर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट पे, 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 डिपेंड करती है तो उनको आप दूर नहीं कर सकते हो बल्कि उनको आपको क्या करना चाहिए उनको आपको पोषित करना चाहिए या आपको उनका सम्मान करना चाहिए तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका थर्ड हो जाएगा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से अवदान की कमी अतिशक्रियत है यानी कि जो ए होता है आपका बाला बच्चा किस तरह की विशेषता को दर्शाता है है ना तो जो ए वाले बच्चे होते हैं आपके वो क्या होते हैं वो बहुत ही सक्रिय होते हैं और मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते हैं ये उनकी पहचान होती है और वो किसी भी मतलब काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं उन्हें अलग अलग काम चाहिए मतलब इस तरीके से होता है तो उनका ध्यान एक जगह ज़्यादा जा, देर तक नहीं टिक सकता है तो इसमें विशेषता क्या है बैठ कर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति भाई वो चुपचाप कभी नहीं बैठते हैं और उसके बाद है आसानी से बिच हाँ ये आसानी से विचलित होते रहते हैं और इधर उधर ये भागते रहते हैं और उसके बाद है आपका दूसरों को ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेगा बच्चा तो उसको बैठना पड़ेगा एक जगह बिना रुके लंबे गद्यांश को पढ़ने की क्षमता ये रुक ही नहीं सकते हैं तो गद्यांश को कहाँ से पढ़ेंगे ये तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जिनका आईक्यू आपका वन ट्वेंटी से अधिक होता है वन थर्टी फोर्टी के आसपास होता है उनको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय एवं मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए देखो क्या होता है उनको जो आप नॉर्मल अब आप, आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के हिसाब से अपने सिलेबस को डिज़ाइन करोगे और वहाँ पर आप प्रतिभाशाली बच्चों को समझ आ गया तो आप बाद वहाँ की जो बेचारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा है जो नॉर्मल में आते हैं या जो उससे भी थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं आपको क्या करना है आपको तो सबको ले चलना है ना तो वो क्या करते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे वो जल्दी सी चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब मुझे कुछ चैलेंजिंग दिया जाए वरना वो बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं तो इसमें क्या करेंगे आप उन्हें स्वेच्छा से चयन उच्च स्त्री यानी कि कुछ अपने से जो हाई क्वालिटी की वो अपना सामग्री पढ़ने के लिए लेंगे या मौलिक पाठ है सामग्री तो उनको क्या करेंगे उनको उस चीज को सीखने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होता है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और अन्य ऑप्शन भी हम देखेंगे इसमें विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान क्यों भाई पृथक रूप से पहचान हम क्यों बनाएंगे उनकी तो ये आपका गलत हो जाएगा उन्हें परितोषक देकर हम उन्हें कोई भी अवार्ड देकर या परितोषक देकर उनको अभिप्रेरित नहीं करेंगे देखो मोटिवेशन कौन अच्छी होती है मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है वो मोटिवेशन आपके लिए वेस्ट होती है उसके बाद विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना हम बच्चे पर दबाव क्यों डालेंगे तो हमारा इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो इसका आपका फर्स्ट सही हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रमन कक्षा चार में पढ़ता है उसे कम दिखता है यानी कि उसे देखने में क्या है थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है यानी कि जब वो पढ़ता है या अपना काम करता है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए अगर आप आप ये सोचो ना अगर यहीं पर आप हो तो आप क्या करोगे उस तरीके से आपको इसमें जब आप इस क्योंकि आप देखो टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो आप टीचर बनने वाले हो तो आपसे यही अपेक्षा की जाएगी कि आप बच्चे को थ्री डिग्री समझो उसकी प्रॉब्लम्स को समझो सभी बच्चों को इंक्लूड करके ये सब हमसे क्या करी जाती है अपेक्षाएं करी जाती हैं तो उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है हमें आंसर्स को चूज करना पड़ता है तो क्या करेंगे हम उसके अभिभावकों को उसका पूरा काम करने की सलाह क्यों भाई अभिभावक क्यों करेंगे बच्चे को पढ़ना है तो अभिभावक को क्यों करना है काम उसमें है ना उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थाई छूट ऐसा भी नहीं है तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं सीखेगा ही नहीं तो ये भी आपका सही नहीं होगा है ना उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए ये बिल्कुल सही है कि अगर उसको देखने में दिक्कत है बट उसको सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो हम उसके लर्निंग तो करानी ही करानी है चाहे फिर हम उसके लिए कोई भी वेस्ड

में अधिगम निशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे यानी कि आपके यहाँ पे कुछ बच्चे कैसे हैं आ, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं जिनको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उनके साथ आप मतलब कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चों को आसानी हो जाए तो अधिक से अधिक लेखनकार अरे भाई वो पहले से ही थोड़ा सा उन्हें दिक्कत हो रही है और उस पर आप अधिक से अधिक लेखनकार दे दोगे उन्हें उसके बाद है प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे भाई पहले से बच्चों को दिक्कत हो रही है और आप लिखावट को मानदंड और उसमें कर प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में बर्तनी का महत्व तो कम कर देंगे ये क्या करेंगे देखो बच्चे को हमें क्या करना होता है जिस तरीके से बच्चे कंफर्टेबल हो जाए हमें वही ऑप्शन इसमें चूज़ करना होता है तो जब बच्चों को अधिगम निशक्तता है यानी कि वो बच्चे प्रॉपरली नहीं सीख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे उनको जो कार्य देंगे उसमें मतलब उनसे फ़िजिकली कुछ कहलवा लेंगे औरली उनसे ज़्यादा पढ़वा लेंगे तो प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन में बर्तनी के महत्व को थोड़ा क्योंकि वो थोड़ा बहुत गलत उनसे हो सकता है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है सीखने में तो ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा लेखन कार्य का समय घटा देंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी क्वेश्चन इसको देखेंगे हम कौन सी युक्तियां सार्थक अधिमक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं यानी कि, कि किसके द्वारा आपका जो सार्थक अधिगम है वो प्रभावशाली होगा तो इसमें क्या है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग बिल्कुल सही बात है देखो हमें भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम उसको क्या करते हैं ट्राई करते हैं कि हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे गैर उदाहरण क्या होता है जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया बच्चों को बताया मैंने वर्ड्स के बारे में यानी कि ये पीकॉक भी वर्ड्स होता 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 है होता है होता है पीजन होता है आपका पैरट भी तो लेकिन फिर मैं उसको क्या करूँगी बताऊँगी एरोप्लेन का मैं एग्जाम्पल दूंगी और मैं उसको बोलूंगी कि बेटा एरोप्लेन जो होता है वो आपका चिड़िया नहीं होता है तो ये क्या हो गया आपका गैर उदाहरण हो गया ओके विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये कि आप बच्चों को हमेशा ही प्रश्न पूछने के लिए क्या करोगे उनको प्रोत्साहित करोगे उनको मोटिवेट करोगे थर्ड है हमारा विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा को समझाने के लिए कहना ये भी आपका ठीक है क्योंकि देखो कोई भी एक कॉन्सेप्ट है है ना वो कोई और बच्चा बता रहा है किसी भी और का है तो आप क्या कहोगे बच्चे से कि अपने शब्दों में आप मुझे आप समझाओ कि आपको ये किस तरीके से समझ आया इसमें भी बच्चे का क्या है चिंतन लगेगा उसके बाद हम देखेंगे इसमें बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना भाई टीचर का काम कभी भी बच्चे को उकसाना नहीं होता है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जा जाएगा, गलत हो जाएगा अब आप देखो ट्रिक क्या होती है इस को तरीके से आपको करना होता है और इसमें भी आईवी है तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे आपका एकमात्र बचा है जो कि आपका सही ऑप्शन है इस तरीके से आपको ऑप्शंस को पकड़ना होता है ओके okay? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्वेंटी टू पे ट्वेंटी टू आपका है कथन और कारण देखेंगे इसको हम अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है बहुत ही अच्छी बात है मान लो आपने पहले कभी कोई प्रॉब्लम आई थी और अब फिर से उसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई है तो जो आपका ये अहमद है जो एक टीचर है वो अपने बच्चों को क्या कहता है कहता है उसी जैसे हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा था ना उस तरीके से आप फिर से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो यानी कि समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है सही बात है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं बिल्कुल ही सही बात और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं देखो बच्चे तब सार्थक सीखते हैं जैसे उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है फिर आपने जो नया कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो वो उसी पुराने वाले से जोड़ के सिखा दिया तो वो क्या होगा बहुत ही बच्चों के लिए सार्थक यानी कि आपके ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसकी जगह पर किसको बद मतलब किसकी जगह पर किसको लाने की बात करती है यानी कि किसके बदलाव की उपंसा करती है तो इसमें क्या है संरचनावादी से व्यवहारवादी में जाना जी नहीं कंस्ट्रक्टिव इससे यानी कि संरचनावादी हमारा सही है तो ये गलत हो गया रटने पर आधारित अधिगम से हमें किस में जाने को कह रही है सचुअल अधिगम यानी कि अवधारणात्मक समझ बच्चों की बना तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ट्वेंटी ट्वेंटी है वो आपको क्या कह रही है कि रटने से रटने से बच्चे को किसकी तरफ ले जाओ कौन सेपचुअल जो समझ है उसकी अधिगम है अवधारणा को समझना है इसकी तरफ उसको ले जाओ तो आंसर आपका सही कौन उसके बाद है आपका थर्ड भी देखेंगे खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास नहीं अगर ये उल्टा होता ड्रिल और अभ्यास से खोजबीन की तरफ ये आपका सही होता अधिगम के लिए आकलन अधिगम का नहीं समेटिव से फॉर्मेटिव यानी कि अधिगम का आकलन से सारे ही उल्टे दिए हुए हैं आपका सिर्फ एक ही सही है जो कि है आपका ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है यानी कि तार्किक चिंतन आपका जो होता है आपकी जो थिंकिंग होती है बच्चों का चिंतन है उसमें तर्क तार्किक चिंतन में कौन सा योगदान नहीं देता है पढ़ेंगे हम इसको विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं बिल्कुल सही बात है यानी कि जब हम कोई चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं कि हम उसके संदर्भ में जो हमारे पूर्वानुमान हैं उनको उनकी पहचान करते हैं उनको चुनौती देते हैं कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस तरीके से उसके बाद है जो विचारक है सुकथनों में तथ्यों की सत्यता को और तर्क की संगतता की बिल्कुल जांच करते हैं हम बिल्कुल ही सही है ये भी तो उसके बाद हम देखें विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते भाई ये गलत बात हो गई यहाँ पर विचार करते अगर होता तो आपका ये सही होता बट इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया नहीं तो इस तरीके से आप चीज़ों को पकड़ा करो देखो यहाँ भी इन्होंने नहीं पूछा है और हमें यहाँ पर भी क्या मिल गया है नहीं मिल गया है तो आपका ऑप्शन ये वाला कौन सा हो जाएगा ये वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है गलत है आपका उसके बाद विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं बिल्कुल भाई अगर हम चिंतन करोगे तो हम चिंतन करते ही इसलिए हैं ताकि हम कल्पना करें या अपनी थिंकिंग को लगाएं हमें हमें जो भी समस्या है हमारी उसके उसके समाधान विकल्प मिल सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है वह इस कार्य से प्रेम करती है और वह उसे संतुष्टि देता है यह क्या दर्शाता है देखो जब भी आप जिस भी चीज़ से प्यार करोगे यानी कि फिर आप चाहे कितने भी थके हुए हो आपका मन हो या ना हो लेकिन वो चीज़ें आपको करने से क्या मिलता है सुकून मिलता है तो इसमें ये हमारी जो होती है वो आपकी होती है इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आपकी अंदर की जो अभिप्रेरणा होती है वो आपसे ऐसे कार्य कराती है जहाँ पर आप थकते नहीं हैं जहाँ आपको टाइम का पता नहीं चलता है यानी कि ये चीज़ें हमें अंदर से क्या देती हैं खुशी देती हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको कि स्टूडेंट में आप जब भी ऑप्शन आए इससे रिलेटेड आपसे ऑप्शन आप पूछे जाएंगे कि बच्चों को मतलब बाहर प्रेरणा देनी चाहिए या आंतरिक तो ऐसे काम आपको करने चाहिए अपनी क्लास में जिससे कि बच्चे आपके इंटरनल मोटिवेट हों और वो अंदर से मतलब खुशी से उन चीज़ों को करें लर्निंग आपकी बेहतर होगी उससे ओके okay? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अच्छा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना ये कोई प्रतियोगिता को बढ़ाना नहीं होता है हमें तो ये आपका सामाजिक भावात्मक अधिगम कैसे हो जाएगा जबरदस्ती थोपा गया अनुशासन इससे भी कोई सामाजिक अधिगम नहीं तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक अच्छे अंक लाने का दबाव कभी भी आपको दबाव बच्चे पर नहीं बनाना होता है उसके बाद क्या है इम्पैथी तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक जब ऐसे अध्यापक होंगे तो वहाँ पर जो आपका माहौल होगा वो बहुत लाइट होगा और सामाजिक और भावात्मक बच्चा आपसे सामाजिक रूप से भावात्मक रूप से टीचर से जुड़ेगा तो वहां पर अधिगम हमारा कैसा होगा एक बेहतर वे में हो पाएगा तो आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका इसमें हो जाता है थर्ड ऑप्शन ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्वेंटी सेवन है हमारा विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है यानी कि विद्यार्थियों की जो गलतियां होती हैं उसमें कौन सा कथन भाई गलतियां देखो सबसे पहले तो उस टाइम पे जब हम गलतियां करते थे हमारे टीचर हमें धुन देते थे ढंग से तो वो टाइम अब जा चुका है तो अब क्या हो गया अब गलतियों को भी एज आ मतलब एक हेल्प की तरह टीचर को अपने लिए देखना चाहिए एक विंडो की तरह देखना चाहिए जिससे कि आप बच्चे के अंदर झांक सकते हो कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और उन्हें मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप दूर कर सको तो टुटियाँ क्या हैं बच्चे के लिए अच्छी होती है यार हर कोई गलती करता है क्या हमने बचपन में गलतियाँ नहीं करी जो गलती नहीं करता वो लाइफ में सीखता भी नहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है तो आप गलतियां करो ठीक है लेकिन बार बार एक ही गलती को मत करो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को त्रुटियों से अध्यापकों को कमज़ोर और कुशाग्र भाई बच्चों को कभी भी ये नहीं करना होता है कि तुम तुम बहुत स्मार्ट हो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तुम बिल्कुल बेकार हो अगर हम इस तरीके से हम टीचर ही बच्चों से बोलेगा तो उनका मोटिवेशन समझ लो कहाँ पर जाएगा है ना तो वो सीखने वाला भी होगा फिर भी वो नहीं सीख पाएगा तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थी फेल नहीं करना भाई बचा सकते हैं ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है त्रुटिया अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है इसमें आपका यानी कि त्रुटियां बच्चे करते हैं तो हमें समझ आ जाता है ना कि बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है तो हम उस चीज को बच्चे को अच्छे से समझा के उन सारी चीजों से बच्चे का फायदा होगा ठीक है उसके बाद देखेंगे हम विद्यार्थियों को सही उत्तर भाई ये क्या हो गया ये ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करानी आपको क्योंकि बच्चा हमारा क्या है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं यानी कि आपका जो अधिगम है आपकी जो लर्निंग है वो किस-किस से प्रभावित होती है तो संवेग से प्रभावित होती है बिल्कुल होती है आपका सांस्कृतिक परिपेक्ष कैसा है उससे भी आप परिपक्वता आप में कितनी है उससे भी और आपकी रुचि उस चीज़ में है या नहीं यानी कि आपकी जो तीनों चारों ऑप्शन है वो सही हैं जिसमें चारों होंगे वो आपका सही हो जाएगा तो आपका ये थर्ड वाला इसमें सही हो गया आपका ठीक है ये सारी ही चीज़ें हमारे अधिगम को क्या करती हैं प्रभावित करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम ट्वेंटी नाइन पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इससे और मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरीके के वीडियो लेकर आती रहूँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके से मिलकर चीज़ों को सीखेंगे मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो मेरी लर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो नेक्स्ट देखेंगे हम अपना निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है नया आपको नहीं को एकदम ढंग से ध्यान में रखिएगा क्योंकि नहीं से आपका पूरा आंसर जो है चेंज हो जाएगा तो शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं ये आपका पॉजिटिव आंसर है तो ये आपका गलत हो जाएगा कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता बिल्कुल करता भाई हमें जितनी नॉलेज होगी उसी के हिसाब से तो हम नेक्स्ट जो लेवल होगा हमारा नेक्स्ट चीज़ें उनको सीख पाएंगे हम थर्ड है आपका सीखना सामाजिक अंत द्वारा बाधित होता नहीं जी बाधित बिल्कुल भी नहीं होता है बल्कि सीखना तो अंत सामाजिक अंत क्रियाओं के द्वारा बहुत ही मजबूत होता है बहुत ही आ, मतलब अच्छा होता है तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है और इसीलिए गलत है तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा यही आपका ऑप्शन सीखना सामाजिक अंत क्रिया द्वारा बाधित होता है तो यानी कि विशेषता नहीं है इसलिए हमारा ऑप्शन आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा फोर्थ भी देख लेते हैं अर्धपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है बिल्कुल ही सही बात है ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका थर्टी आज आपका सी डी पी का पोर्शन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हम हिंदी इंग्लिश और मैथ और ई वी एस का पोर्शन सॉल्व करेंगे तो आप लोग बने रहिएगा साथ में और देखते हैं हम अपने थर्ड और लास्ट क्वेश्चन को कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी क्यों भाई ऐसा क्या हो गया उसमें अनावश्यक भ्रांति के लिए नहीं उसमें तो कार्टून है बच्चे उससे बहुत अच्छे से उनकी लर्निंग होगी वो चीज़ों को समझ पाएंगे बच्चों के सीखने के प्रति बोरियत नहीं भाई रुचि बढ़ेगी उनकी तो उसमें विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और को भटक क्यों जाएगा भाई उससे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सके आपका ऑप्शन फोर इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है इसीलिए छोटे बच्चों की बुक्स आपने देखी होंगी लिखा कम होता है क्योंकि लिखने से वो राइटिंग से इतनी जल्दी उन्हें पढ़ना तो आता नहीं है तो वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन जब बच्चों को कार्टून एप्पल छपा होता है उसमें कैट होती है डॉग होता है तो वो उन्हें क्या लगता है उसे मज़ेदार लगता है उस चीज़ों को देख देख के वो उसमें सीखने का प्रयास करते हैं और उनके लिए वो चीज़ रोचक बन जाती है आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको वेस्ट से वेस्ट समझा सकूं और अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा आप और थैंक यू सो तो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और मिलती एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा देखो हमेशा पढ़ाई को कंटिन्यू इसलिए रखना क्योंकि अगर एक बार भी ब्रेक लग जाता है ना तो फिर कर, कोई भी काम आप कर रहे हो ना तो ट्राई करो कि आप उसको कंटिन्यू भले ही आप उसको दो मिनट के लिए दो घंटे के लिए कर रहे थे तो एक घंटे के लिए कर लो अगर आप ज़्यादा बिजी हो लेकिन उसको बिल्कुल भी बंद मत करना क्योंकि बंद करने से हमारा जो एक रिदम है वो क्या होता है टूट जाता है तो फिर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और अपना ध्यान रखिएगा जय हिंद